क्या आपका सर चकराता है, घूमता है, नेगेटिव विचार आते हैं? तो इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का मेरे तरफ आया, उम्र करीब करीब 28 साल की है, और काफी हॉस्पिटल में दवाई किया बीमारी के लिए और कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो मेन उसकी कंप्लेंट जो थी वो है कि सर चकराता है, फिर सर घूमता है, निगेटिव सोच काफी आती है और दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, दिमाग काम पे नहीं रहता, जो काम करते हैं वहां गैसेस की बहुत तकलीफ होती है और मन स्थिर नहीं रहता। डॉक्टरों के पास जब गया तो उन्होंने बोला कि भाई विटामिन B12 की कमी है करके ऐसा हो रहा, तो उनको विटामिन B12 की दवाई दिया, फिर विटामिन D3 कम है तो उसके लिए दवाई दिया कि वो कम है बोले। और मन में विचार तभी आ रहे हैं, विचार कोई शांत नहीं हो रहे, स्थिर नहीं हो रहे, और पेट में हरदम गड़बड़ हो रही है। कभी कभी एक बार संडास को जाता है तो कभी कभी 4 बार संडास को जाना पड़ता है। पेट में ऐसी गुड़गुड़ सी लगती है, ढेकार ढकार कभी आती है, ढकार कभी आती नहीं है। ढकार आती है तो उसको अच्छा लगता है कि चलो गैसेस निकल गए। दिमाग में उसको बहुत दर्द होते रहता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, उसको लगता है कि भाई ये सब दर्द हो रहा है पिछले 4 साल से, ये बहुत तकलीफ हो रही है, तो मर जाऊं तो अच्छा है। उसने मरने की भी कोशिश किया, एक बार कुछ गोलियां जो डॉक्टर ने दिया था वो ज़्यादा खा लिया, उससे उसको सुस्ती आ गई, मगर हुआ कुछ नहीं। बाद में हॉस्पिटल में ले जाके उसको ICU में भर्ती किया, 25-30 हज़ार रुपये खर्चा लग गए। तो उसलिए उसने बोला कि अपने को मरना भी जमता नहीं है, और बोले ठीक है अभी जो है वो उसको सहन करेंगे। तो काफ़ी इलाज करने के बाद में मेरे पास में आया था, उसने बोला कि मेरा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि नहीं मैंने प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, मसल बिल्ड करना है, या तो प्रोटीन डाइट बिल्कुल पचता ही नहीं फिर तो, मतलब वेजिटेबल लिया तो पचते हैं, प्रोटीन खाया तो पचता ही नहीं है, जैसे वो एक खाता है अंडा पनीर चलता ही नहीं है उसको बिल्कुल। और 20 किलो वजन पिछले 4 साल में कम हो चुका है, तो उसको वो भी एक डर है कि भाई अभी आगे क्या होगा, कैसा होगा, इतना वजन कम हो गया है, पेट का प्रॉब्लम है। तो ऐसे इसमें वो मेरे पास में जब आया तो उसने, ठीक है ये तो मुझे सब मिक्स पिक्चर दिख रहा है, डिप्रेशन है, फिर इरिटेबल बावल के लक्षण है, फिर नेगेटिविटी मतलब एंग्जाइटी भी है, नर्वसनेस, सभी मिक्स पिक्चर दिख रहा था। और उसका उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस निल थे। मैंने उसको एंटी डिप्रेशन दवाई दिया और उनको बोला कि भाई आपको हिप्नोथेरेपी करनी है और साइकोथेरेपी करनी है और उससे आपको अच्छा लगेगा। ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सारे तकलीफें लेके आते हैं और उनको मल्टीपल सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि जिसका ऐसा हम बोल नहीं सकते कि एक जगह की भाई यही एक बीमारी है, उसको काफी सारी बीमारियां जैसा लगता है कि एक ही बॉडी में है। तो उनको ठीक करना तभी आसान है जब जल्दी लाते हैं। क्या होता है कि जैसा अभी इन्होंने बोला कि डॉक्टरों के पास में गए, डॉक्टर गए कि तपास लेते, दवाई लिया, चले जाओ, डॉक्टर बात भी नहीं करते 1 मिनट के ऊपर, तो उनको लगता है कि डॉक्टरों को समझ भी नहीं आया कि मेरे को क्या हो रहा है, डॉक्टर ने तपासा भी नहीं ठीक तरह से, तो उनका समाधान होता नहीं, फिर ये केसेस क्रॉनिक हो जाती है। तो ऐसा कुछ रहा तो आपको अच्छे डॉक्टर के पास में जाके अच्छा डायग्नोसिस करके दवाई दिया तो पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। वीडियो आपका अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारा ऐप है वो फ्री डाउनलोड करो, डॉक्टर केळकर नाम से। हमारा जो मिशन है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमको सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।